गुरुदेव का कुछ नियम है, 11 नियम है, दहेज रहित भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कोई जुआ ताश नहीं खेलना है। आज हमारे सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाएं, सफल नहीं हुआ, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब तक इंसान को भगवान से डर नहीं बनेगा कहाँ सुरक्षित सकता है, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संविधान के अनुकूल हम आप चलते हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, संविधान के विरुद्ध चलते हैं तो हमें देशद्रोही भी कहला दिया जाता है। इस प्रकार से एक धर्म की ओर चलने के लिए एक धर्म का एक संविधान है, भगवान का भी संविधान है, उस संविधान के अनुरूप उस संविधान के अनुकूल हम चलते हैं तो हमें फलीभूत होते हैं, हमें फायदा मिलते हैं, हमें बेनिफिट होती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मगध लाइव की टीम गया के बाके बाजार प्रखंड में है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज अभी पिछले कुछ वर्षों से जेल में हैं, इसके बावजूद उनके ज्ञान को उनके अनुयायियों के द्वारा पूरे विश्व में जिस तरह से तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ये काबिले तारीफ है। आखिर इनका ज्ञान में ऐसा क्या है, आज सोशल मीडिया के चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाइए वहाँ पे इनका ज्ञान का वीडियो शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा और ये लंबी बहस छिड़ी है आध्यात्मिक जगत पे। आखिर ऐसा क्या है इनका ज्ञान में जो आज पूरे विश्व में आध्यात्मिक जगत में एक भूचाल सा ले आया है। चलिए मैं सीधे सत्संग स्थल पे चलता हूँ और वहाँ उनके कुछ अनुयायियों से बात करने का प्रयास करूँगा। मैं सत्संग स्थल पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेवा कार्य लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। जल का सेवा भक्तों के लिए रखी जी, यहाँ जिला गया जिला में बांके बाजार में एक दिवसीय पर कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी के सानिध्य में। ये निःशुल्क सेवा हम लोग दे जी। ये सत्संग का जो आयोजन किया गया है जी, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे जिला में जी 24 प्रखंड में यहाँ गया जिला के अंतर्गत हैं, 24 प्रखंड से आए हुए हैं और कुछ लोग जो आए हुए हैं जिला से हट करके बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे औरंगाबाद जिला से आए हुए हैं कुछ लोग। तो अब सीधे सत्संग स्थल पे ले चलता हूँ जहाँ पे सत्संग कार्य चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सत्संग को सुन रहे हैं। अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दृश्य को भी दिखाएं, जरा इधर दिखाओ। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है महिलाओं की और पुरुषों की। चलिए मैं यहाँ कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोअर जुड़े हैं, चलिए मैं उनसे बात करूंगा। श्रीमान पहले अपना नाम बताएंगे जरा। मिथिलेश दास बोधगया। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े हैं? 2019 नवंबर, 3 नवंबर 2019 को। एक बात मुझे जानकारी दीजिए, संत रामपाल जी महाराज का आज ज्ञान को देख रहे हैं फेसबुक सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पे आज एक चर्चा और एक बहस छिड़ा हुआ है आध्यात्मिक जगत में, आखिर इनका ज्ञान में ऐसा क्या है? ये शास्त्र के साथ है, इनका जो ज्ञान है शास्त्र से है, बाकी जो गुरुओं के है शास्त्र विरुद्ध है। इसीलिए जितने भी आदमी जान रहे हैं पढ़ रहे हैं जानकारी ले रहे हैं उनसे जुड़ रहे हैं। फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे देखते हैं कि काफी लोग इनका सत्संग का विरोध भी करते हैं, मतलब एक जो विरोध करते हैं उनको जानकारी नहीं है, जो विरोध करते हैं उनको जानकारी कुछ नहीं है। अपना वेद के बारे में जो पढ़े लिखे हैं हम, आप बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे का मतलब होता है कि अपना वेद शास्त्र के बारे में जानकारी लिए। आपका समाज पढ़ा लिखा हो, आप हमारे पूर्वज थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई जानकारी नहीं था, जो ब्राह्मण कहते थे वो मान जाते थे, लेकिन अभी हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो जो पढ़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि संत रामपाल जी आपके गुरु जी हैं वो अभी जेल में है काफी वर्षों से, इसके बावजूद भी उनके ज्ञान जो है बहुत तेजी से पूरे दुनिया में फैल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? वो जगत वालों के लिए जेल में है, भगत के लिए जेल में नहीं है।
वो जितने भी गुरु हैं सब जेल में है, उनके सब आश्रम बंद हो गए। लेकिन जब गुरु जी जेल गए थे उस समय कोई एक आश्रम तो अभी गवर्नमेंट ने छीन लिया था, लेकिन अभी 10 आश्रम है, 10 जगह बड़ा बड़ा आश्रम है, एक एक आश्रम का मतलब 50-50 एकड़ तक का बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मालिक का दया हो रहा है, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। ये सोचने की बात है, एक जो आदमी जेल में बैठे हुए हैं और उनके अनुयायी इतना तेजी से जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, तो कुछ ना कुछ है, उसको जानकारी लीजिए, अपने वेद शास्त्र को पढ़िए, अपने वेद में ढूंढिए। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर जुड़े हैं, चलिए मैं उनसे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर रूपेश कुमार हुआ और बोधगया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसा कि बताया गया है पुरानी ग्रंथों के अनुसार, बोधगया बौद्ध की पावन धरती है, जहाँ नेपाल से आकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे, ऐसा पुरानी ग्रंथों में लिखा है। तो उस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और बोधगया क्षेत्र में बिलोंग। मेरा एक सवाल है कि अभी मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज के वीडियो ऑडियो सब जगह देखने को मिल रहा है, एक बहस आध्यात्मिक जगत पे एक बहस छिड़ा हुआ है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनका ज्ञान का कहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मतलब कहने का एक भूचाल सा आ गया है। आखिर इनका उद्देश्य, इनका ज्ञान में ऐसा क्या है जो आज पूरे ये, जबकि गुरु जी जेल में है आपके, इसके बावजूद भी इस तरह का क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? अभी तक हमारे जो माननीय सम्माननीय भारत की भूमि पर धर्म गुरु थे, अपने अपने तरीका से लोगों को ज्ञान दे रहे थे, तथा कथित ज्ञान दे रहे थे जिसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन हमारे गुरुदेव जगत गुरुदेव श्री संत रामपाल जी महाराज, चाहे हिंदू का धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, सभी धर्म ग्रंथ को खोल के दिखा दिए हैं। इसलिए लोग आज के समाज पढ़े लिखे हैं, और एक जमाना था कि लोग कह देते थे, हम सुन लेते थे, लेकिन आज एक एक चीज़ हमारा गुरुदेव खोल खोल के दिखा रहे हैं। अब बाकी रहा संघर्ष की बात, तो इतिहास गवाह है कि जिस पेड़ में अधिक मीठे फल होते हैं, उस पेड़ को अधिक ढीले खाने पड़ते हैं, पत्थर खाने पड़ते हैं, डंडे खाने पड़ते हैं जी। तो जितना हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय धर्म गुरु थे, सबका शिष्य पहले वहाँ चिपके हुए थे, जब गुरुदेव का ज्ञान, हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान को देखा, यहाँ का प्रमाण देखा, तो लोग वहाँ से छोड़ कर करके हमारे गुरुदेव की शरण में आ रहे हैं। जैसा कि मैं रुपेश दास, इसके पहले मैं बाल जोगेश्वर महाराज का शिष्य था, वहाँ भी रहा। हमारे बिहार में शिव चर्चा चलता है, उसमें भी हमने देखा, गायत्री परिवार में रहा। लेकिन वो सब देखने के बावजूद जब हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुना, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जो हमारे गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रमाण, ऐसा समाधान, ऐसा भगवान वर्तमान में कोई नहीं बता रहे हैं। सब आप एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, कोई किसका प्रमाण नहीं दे रहे हैं, बस अपना मौखिक दंत कथा के आधार पर लोगों को बता रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि पंडित बाचे पोथी लेखा, कबीरा बाचे आँखों देखा। हमारा गुरुदेव एक पोथी लेखा यानी प्रमाण के साथ, आँखों देखा के आधार पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए लोग झुक हमारे गुरुदेव की तरफ आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनके ज्ञान का डंका पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैल रहा है। तो सच्चाई है, अच्छाई है, आज के समाज बेवकूफ़ नहीं है, जो सच्चाई रहेगा अच्छाई रहेगा, उसको तो ऊपर आना ही आना है जी। एक दिन पूरे गुरुदेव, हमारा गुरुदेव का ज्ञान को तो पूरे विश्व को मानना ही पड़ेगा जी, ये परम सत्य बात है। एक बात मुझे और जानकारी दीजिए कि जैसा कि आप बताएं कि पहले आप किसी और धर्म पंथ से जुड़े हुए थे, इसके बाद उसको छोड़ करके आप इनके पंथ में जुड़े या इनसे जुड़े आप, तो आप ये संत जी का क्या मुख्य उद्देश्य है जो समाज में आज सब लोग को जरूरत है अपनाने का? और जैसा कि इसके पहले हम बाल जोगेश्वर महाराज का शिष्य था, वहाँ हमें कोई मर्यादा नहीं बताया गया था, है ना, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है जी। कोई मर्यादा नहीं था, जो मर्जी अपना करो, कोई जो पूजा भक्ति है जैसी मर्जी अपना करते रहो। केवल हमें 5 क्रियाएं मिली थी, उस क्रिया को हम करते थे। जिस क्रिया हमें मिली थी, कोई धर्म ग्रंथ में उसका प्रमाण नहीं था। लेकिन हमारा गुरुदेव यानी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में शरणों में आने से पहले उन्हें नियम बताया जाता है कि इंसान जो दानव जैसा प्रवृत्ति करे उसको असली मानव बन जाना है। असली मानव क्या? दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस मछली, गांजा, भांग, अफीम ना खाना है जी, ना किसी को खाने के लिए सहयोग करना है। ये प्रथम चीज है, समझ गए? ये प्रथम आपका लोग को गुरुदेव नाम दीक्षा लेने से पहले लोग को बताते हैं कि आपको जो दानव जैसा प्रवृत्ति कर रहे थे, आपको असली मानव बन जाना है, ये प्रथम। दूसरी, आज हमारे समाज में
दहेज के लिए हमारी बेटियां हमारी बहना को प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं जी। तो आज हमारा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, दहेज रहित यहाँ शादी होता है जिसको रमैनी कहते हैं, और हमें पखंडवाद अंधविश्वासवाद जो हमें पूजा भक्ति है उसे हमें दूर कराया जाता है जी। जो हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति लिखा है, जैसा कि गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि अर्जुन गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को बता रहा है कि अर्जुन शास्त्र विधि के तहत जो मनमाना आचरण करता है उसको न सुख मिलता है, न समृद्धि मिलता है, न शांति मिलता है, न परम गति मिलता है। इसके लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक 24 में देखा जा सकता है, देखा जाए। इसके लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मतलब भक्ति के कौन से कर्म करना चाहिए, अकर्तव्य मतलब भक्ति की कौन सी पूजा भक्ति नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र में कौन सी पूजा हमें करना है न करना है, इसलिए हमारे गुरुदेव बताते हैं। क्योंकि हमारे भारत के भूमि पर जितना माननीय सामान्य आदरणीय धर्मगुरु हैं अपने अपने तरीका से पूजा भक्ति मंत्र दे रहे हैं, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई ओम त्र्यंबकम् यजामहे है सुगंधित पुष्ट वर्धम, कोई ओम भूभुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम्, अनेकों मंत्र दे रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में लिखा है कि कोटि नाम इस संसार में भाई जिनसे मुक्ति न हो, आदि नाम मुक्ति के दाता बिरला जाने कोई। कोई बिरला पुरुष बता सकते हैं इस संसार में भगवान को जाप करने को अनेकों मंत्र है जिससे मुक्ति संभव नहीं हो सकता है। सिद्धि प्राप्त हो सकती है, थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त हो सकता है, जिसको आप झाड़ फूक कर देंगे वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति की दरवाजा दूसरा है, मुक्ति का मार्ग दूसरा है, और सिद्धि का मार्ग दूसरा है। अगर मुक्ति पाना है तो आज हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो मर्यादा है, मर्यादा को पालन कर करके जो नियम है उसको आया जाए और सुना जाए। हमारे गुरुदेव का कुछ नियम है, 11 नियम है, दहेज रहित भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कोई जुआ ताश नहीं खेलना है। आज हमारे सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाएं, सफल नहीं हुआ, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब तक इंसान को भगवान से डर नहीं बनेगा कहाँ सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संविधान के अनुकूल हम आप चलते हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, संविधान के विरुद्ध चलते हैं तो हमें देशद्रोही भी कहला दिया जाता है। इस प्रकार से एक धर्म की ओर चलने के लिए एक धर्म का एक संविधान है, भगवान का भी संविधान है, उस संविधान के अनुरूप उस संविधान के अनुकूल हम चलते हैं तो हमें फलीभूत होते हैं, हमें फायदा मिलते हैं, हमें बेनिफिट होती है जी। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से अगर भगवान और भक्ति के लिए एक शास्त्र अनुकूल साधना करना पड़ता है तब जा करके भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। Oh, oh, oh.